मॉर्निंग एवरी वन, हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे, और खुश नहीं हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि आपके फेवरेट चैनल पे आ गया है आपका डोज ऑफ हैप्पीनेस। तो अभी मॉर्निंग टाइम है, अंशुल ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी। आज सुबह सुबह उठते ही टाइम नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा बातें करती हूँ और अपना गर्म पानी पीती हूँ। आप बताओ, आप लोग सुबह सुबह क्या पीते हो, क्या मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों की चल रही है? मैं मॉर्निंग ड्रिंक्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती हूँ, कभी चिया सीड लेमन वाटर, कभी नॉर्मल गर्म पानी, या फिर कभी सिंपल लेमन वाटर। इस तरीके से मेरा कुछ कुछ चलता रहता है। आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं आपको दिखाती हूँ टेम्परेचर आज का, -12। और अगर मैं आपको फील्स लाइक दिखाऊँ तो आपको सुन के ही ठंड लगने लग जाएगी। ये देखो, फील्स लाइक -21। अंशुल जब निकले थे ना तो मुझे ऐसा लग रहा था हाय राम, -21 में वो कैसे जा रहे हैं, बट यस, काम पे तो जाना ही है तो वो निकल गए हैं। घर कोजी होते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों को लाइक मम्मी भी पूछती रहती है मेरी कि तुम लोग इतनी ठंड में कैसे रह रहे हो, तो बट यहाँ पे घर ना काफ़ी इंसुलेटेड होते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लाइक हीटर ऑन रहता है तो सिंपल सी आप एक पतली सी भी स्वेटर पहन के रखोगे ना घर पे तो काम चल जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा लोगे, लाइक घर का अगर 74-75 कर लोगे, तो आपको कुछ भी पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल समर्स की तरह रह सकते हो। बट आई प्रेफर कि टेम्परेचर मैं 69-70 करके रखूँ घर का, और एक पतला सा स्वेटर मैं डाल के रखूँ, जिससे कि थोड़ा सा विंटरी फील भी तो आना चाहिए यार, समर्स चलती रहती हैं तो गर्म कपड़े भी तो थोड़े घर के काम आने चाहिए ना, इसीलिए। बाहर का व्यू देखिए, धूप कितनी अच्छी खिली हुई है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देख सकते हो ना तो पीछे मेरे घर के देखो लेक है, पूरी फ्रोजन है। हमारे दोनों रूम्स की विंडोज से ना बहुत ज़्यादा हवा आती थी, एक्चुअली कॉर्नर से ना गैपिंग रह जाती है जिसकी वजह से हवा रिसती रहती है, और ये रूम और गोविंद का रूम दोनों एक्स्ट्रा ठंडा रहते थे। तो हम लोगों ने अपार्टमेंट वालों को बोल के पूरा इसे प्लास्टिक से सील करवा लिया है। अब विंडो ओपन नहीं हो सकती फॉर विंटर्स, बट हवा नहीं आती, दैट इज द गुड थिंग। एंड ट्रांसपेरेंट पन्नी है तो बाहर का भी व्यू मिल जाता है, और मेरे नन्हे मुन्ने प्लांट्स भी यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर धूप देखेंगे। ब्रेकफास्ट में आज मैंने खाई रोटी और गर्मा गर्म पालक भुर्जी। पालक भुर्जी कल रात में मैंने डिनर में बनाई थी और वो खाई, मजा आ गया। और अब मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय, चीयर्स। और ना सर्दियों में ऐसे गर्म कप को ऐसे पकड़ो ना तो बहुत अच्छा लगता है, हाथ भी गर्म हो जाते हैं। आपको पता है पहले ना मैं बहुत क्रैंकी हेड से अपना ब्रेकफास्ट करती थी, लाइक मुझे ये चलता रहता था कि ये काम है वो काम है, और मैं काम के साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट भी करती रहती थी। बट अब मैंने ना ये सोचा है कि जिस दिन मेरे पास टाइम होगा और मैं अफोर्ड कर सकती होंगी तो आराम से बैठ के काम माइंड से अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, पहले अच्छे से अपनी पेट पूजा करूंगी, उसके बाद कोई काम पूजा करेंगे। क्योंकि ना अगर सुबह की फर्स्ट मील आप क्रैंकी हेड से या बिजी उसमें लेते हो ना तो सारा दिन ऐसा ही निकलता है, और पहली मील अगर आप खुश होके ले लो ना, अच्छे से खा लो, तो फिर आप पूरा दिन बहुत हैप्पी फील करते हो, आपकी पूरी बॉडी को बहुत हैप्पी फील होता है। तो अभी मेरा पूरा घर मेस्ड अप है, बस मैंने सोफा लगाया था, रूम वगैरह सब कुछ अभी मुझे क्लीन करना है, किचन है, बट अभी मैं टेंशन नहीं ले रही, आराम से बैठ के 10-15 मिनट अपना चाय पीऊंगी, ब्रेकफास्ट कर लिया अच्छे से, आप लोगों के साथ गपशप कर रही हूँ, उसके बाद लगेंगे काम तो चुटकियों में हम कर लेंगे। और गोविंद को मैंने आज ऑमलेट खिलाया है तो अभी वो खा रहा है और अपने ट्रैम्पोलिन पे जंप जंप कर रहा है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद मेरे किचन की हालत, मैं टाइमर सेट कर रही हूँ 20 मिनट्स का, और ये काइंड ऑफ मेरे लिए चैलेंज है 20 मिनट्स में पूरी किचन क्लीन करने के लिए। तो चलो टाइमर स्टार्ट हो गया, फटाफट काम में लगते हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने आलू वगैरह बॉईल करने के लिए भी रख दिए थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे बॉईल्ड आलू, और अगर आलू बॉईल्ड रहते हैं किचन में तो काफ़ी इजी पड़ता है, कभी भी आलू के पराठे या आलू की सब्ज़ी वगैरह बनानी रहती है तो
तो इसीलिए सारे जो बड़े बड़े काम होते हैं वे मैं मॉर्निंग में ही निपटा लेती हूँ, और जो भी बड़े बर्तन होते हैं वो सब एक साथ वॉश हो जाते हैं। और अभी मैं अपना अनार भी छील के रख दूँगी एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक, मैं गोविंद को दूँगी ये। तो अनार छीलने की बेस्ट ट्रिक ये होती है कि आप इसे हाफ में कट करें और फिर पीछे से टैप करें एक चम्मच से या चाकू के बैक साइड से, और फिर सारे दाने जो हैं वो ईजिली निकल जाते हैं क्योंकि लूज़ हो जाते हैं वो। और बस ये दो काम मैंने बड़े निपटा दिए हैं, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन क्लीनिंग। सबसे पहले मैं अपना डिश वॉशर खाली करती हूँ, जो भी बर्तन हैं मेरे रात के जो सूख चुके हैं उनको मैं वापस कैबिनेट्स में लगा दूँगी, और उसके बाद अभी जो मॉर्निंग के सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं उनको वॉश करके डिश वॉशर में फिर से लगा दूँगी। वैसे तो आप डिश वॉशर में गंदे बर्तन लोड करते रहिए पूरा दिन और फिर रात में चला दीजिए डिश वॉशर, ऐसे भी काफ़ी लोग करते हैं, बट आई प्रेफर वॉशिंग इट विद माई ओन हैंड्स। तो मैं सुबह सुबह ही अपने सारे जो मेजर बर्तन हैं वो सब मैं वॉश कर लेती हूँ, और मेरे डिश वॉशर में क्लीन बर्तन ही रहते हैं पूरा दिन। और बस बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं, अब ऑलमोस्ट मेरी किचन क्लीन हो गई है। तो जो ये डेली वाले बर्तन रहते हैं काउंटर पे लाइक मसालदानी, घी का डब्बा, वो सब मैं एक बार वाइप ज़रूर करती हूँ क्योंकि इस पे गंदे हाथ वगैरह लगते रहते हैं, और वो वाइप करने के बाद अच्छे से अपना ऑल पर्पस क्लीनर से काउंटर टॉप को अच्छे से वाइप कर लूँगी और मेरी पूरी किचन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। मैंने 20 मिनट्स का टाइमर लगाया था एंड अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स में पूरी किचन क्लीन कर ली है, और किचन क्लीन होने के बाद ना सांस में सांस आ जाती है, लगता है आधा घर क्लीन हो गया। तो किचन पूरी डन हो गई है, अब चलते हैं बेडरूम में और बेडरूम की हालत मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ख़राब है। तो ये है हालत मेरे बेडरूम की जिसे मुझे अभी फिक्स करना है, बेड पूरा ख़राब हो रखा है, आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। मेरा छोटा हेल्पर भी आ गया है मुझे हेल्प करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी जब बच्चे हेल्प करने आते हैं ना तो काम कम नहीं बढ़ जाता है। बट एनीवेज अभी बेडशीट चेंज कर रही हूँ मैं, और मैंने अपने मेट्रेस को एक मेट्रेस टॉपर से भी कवर कर रखा है बिकॉज़ कभी कभार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, गोविंद जब हमारे साथ ही इस मेट्रेस पे सोता है तो उसकी कभी कभार रात में पी निकल जाती है, तो जस्ट इन केस मेरा मेट्रेस ख़राब ना हो इसलिए टॉपर लगाया हुआ है। और उसके बाद मैंने फिटेड शीट लगा दी है, और मैं कंफर्टर से भी कवर करके रखती हूँ अपने बेड को क्योंकि इससे ना बेड काफ़ी ज़्यादा कोजी लगता है और सोने में बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छा लगता है। विंटर्स में लगाती हूँ, समर्स में तो हम इसी कंफर्टर को ओढ़ कर सोते हैं, बट विंटर्स में इस तरीके से मैं बिछा देती हूँ। ये 8-piece कोऑर्डिनेटेड बेडिंग सेट है, बहुत क्यूट सा लगता है, देखो बिछा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। मैं ये सब वॉलमार्ट से खरीदती हूँ मेन स्टे ब्रांड की, मेरे पास 4 या 5 हैं और सब वॉलमार्ट के हैं। वॉलमार्ट पे ना प्रिंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं कंफर्टर के। और सारा घर क्लीन करने के बाद अपना वॉशरूम भी मैं क्लीन करती हूँ। बेसिकली मिरर्स वगैरह ज़्यादा मेरे गंदे हो जाते हैं डेली बेसिस पे, तो वो क्लीन कर लेती हूँ और काउंटर टॉप को एक बार हल्का सा वाइप कर लेती हूँ। ये क्विक क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग टॉयलेट्स की वीकेंड्स पे ही होती है। अभी हम लोगों का शावर वगैरह हो गया, आज काफ़ी लेट हो गया है, ऑलरेडी 1 o'clock हो गया है शावर करते करते, बट घर क्लीन हो गया, मुझे इस बात की खुशी है, चलो कोई बात नहीं, लेट हुआ तो हुआ। और मेरे एनिवर्सरी व्लॉग पे ना आप लोग सब ने मुझे इन ईयरिंग्स के बारे में पूछा कि मैं इंडिया से लेकर आई थी क्या, शायद आप लोगों ने ना मेरा दिवाली हॉल वीडियो नहीं देखा होगा, मैंने उसमें शेयर किया था ये प्रिटी ईयरिंग्स, मैंने तराली ज्वेलरी से लिए थे, इनका एक इंस्टाग्राम स्टोर है आप चेक भी कर सकते हैं तराली ज्वेलरी, और इन्होंने मुझे दिवाली के टाइम पे ये ईयरिंग्स सेंड किए थे एंड आई रियली रियली लव दिस, एंड आई थिंक ये वाले ईयरिंग्स ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे पूरे लुक को, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे थे। एक्चुअली मैंने ये उस दिन फर्स्ट टाइम पहने थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसी के पैक में ना मेरे ये दूसरे वाले ईयरिंग्स भी रखे थे तो मैंने सोचा ये वाले भी दिखा दूँ। ये वाले आई थिंक मैंने पहने हुए हैं पहले भी ब्लॉग में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल गोल्ड के लगते हैं ना, पूरा ये ईयर लोब होता है ना पूरा फिल्ड सा लगता है, इतने अच्छे से हैं बड़े से। ये सूट्स वगैरह के साथ आप पहनोगे ना इंडियन वेयर के साथ, उसके साथ बहुत जमेगा।
मुझे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का शौक तो बहुत है, बट मेरे कान बहुत सेंसिटिव हैं, मतलब स्किन ना मेरी रैशेस हो जाते हैं और फिर कुछ आर्टिफिशियल पहन नहीं सकते आप, तो मैं डेली में ऐसे गोल्ड के स्टड्स पहन के रखती हूँ। सोचा आज इयररिंग चेंज कर रही हूँ तो साथ में ही कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये स्टड्स मेरे ब्यूटीफुल से, सिंपल से है ना बट मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखो, मैं शावर से पहले ना खाने की थोड़ी बहुत प्रेपरेशन करके गई थी, तो आज मैं पालक की कढ़ी बना रही हूँ। आजकल ना मैं पालक बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि विंटर्स हैं और पालक ना मुझे ऐसा लगता है विंटर्स में ना पालक का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और गोभी वगैरह जो विंटर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स होती है ना वो विंटर्स में ज़्यादा टेस्टफुल होती हैं। वैसे यहाँ पे सारी वेजीज जो भी आप देखते हो ना जो विंटर्स में मिलती हैं वो समर्स में भी मिलती हैं, मतलब पूरे 12 मंथ्स आपको सेम वेजीज मिलती हैं, बट समहाउ ये जो विंटर वेजीज है ना विंटर में खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो मैंने थोड़ा सा पालक चॉप कर लिया है और मैं पालक की कढ़ी बना रही हूँ और ये मेरा बेसन भी ख़त्म होने वाला है और उसके साथ मैं आज ना बेसन की रोटियाँ बनाऊँगी, मतलब आटा और बेसन मिक्स करके कुछ थोड़ा सा मिस्सी आटा बनाऊंगी और उसकी रोटियां बनाऊंगी। तो एक बाउल में मैंने इस चम्मच से नाप के 3.5 करीब चम्मच बेसन ले लिया और अब इसके अंदर मैं अपने मसाले ऐड करूंगी। तो देखो थोड़ा सा गया हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गया हींग और थोड़ा सा मैं इसमें रेड चिली ऐड करूंगी। ऊपर से वैसे हम अलग से तड़का लगाएंगे बट रेड चिली ऐड कर दिया और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। तो मैं करीब 3 चम्मच या 4 चम्मच आप ले लीजिए बस दही ऐड करूंगी। तो ये देखिए बेसन के मिक्सचर में मैंने करीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर लिया और बिल्कुल पतला इसका पानी बना लिया। अब ये पकेगी गैस पे करीबन 1/2 घंटा, तब एक्चुअल कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब भी आप कढ़ी बनाए ना इस तरीके का बड़ा सा पैन लें क्योंकि कढ़ी काफ़ी उफनती है और मैं कढ़ी देसी घी में बना रही हूँ, तो बस हल्का सा मैंने घी डाला है पैन को ग्रीस करने के लिए। तो पैन मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट अपना कढ़ी का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ और अब इसे मैं चलाती रहूँगी जिससे कि मेरी कढ़ी फटे नहीं, क्योंकि इसमें दही है ना तो फटने के चांसेस रहते हैं। मैं इसमें करीबन 1/2 लीटर पानी और ऐड कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इतना इसे पतला कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए कढ़ी में बॉईल आ गया है, अब हमें इसे कंटिन्यूसली स्टेयर नहीं करना। अब कढ़ी का मतलब ही होता है ये कढ़ती रहेगी बहुत देर तक गैस पे, तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे कर दिया है, 5 पे कर देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। अब ये आराम से अपना पकती रहेगी और बाकी के काम हम करते हैं, ओकेजनली इसे स्टेयर करते रहेंगे अदरवाइज ये बाहर आ सकती है। दूसरे पैन में मैं पालक को थोड़ा सा ब्लांच कर लेती हूँ और इसी वाले में मैं अपना तड़का तैयार कर लूँगी कढ़ी का। पालक 2-3 मिनट में ही श्रिंक हो गया और मैं इसे अपनी कढ़ी में ऐड कर देती हूँ। अब ये कढ़ी के साथ साथ पकता रहेगा। मैं यहाँ पे मिस्सा आटा बनाने वाली हूँ, तो आटा और बेसन लिया है, नमक चुटकी भर हींग और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए कढ़ी की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, अच्छे से ये पक रही है और जब तक ये पक रही है मैं यहाँ पे अपना तड़का तैयार करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया है, इसमें 1 लाल मिर्च और 3 करी लीव्स मैं ऐड कर रही हूँ। आज मेरे पास मस्टर्ड सीड्स या फिर जो मेथी दाना होता है वो दोनों ही नहीं थे तो वो नहीं ऐड किया, आपके पास हो तो वो ज़रूर ऐड करना, उससे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल कढ़ी बनती है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, आप कितना तीखा खाना चाहते हैं, बट ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए कढ़ी भी मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग, तो मैं अराउंड 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पहले कम ही ऐड करें, बाद में टेस्ट करके आप और भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से ऐड करेंगे तड़का। और ये देखिए मेरी गर्मा गर्म मज़ेदार पालक वाली कढ़ी।
मैं तो कढ़ी खाकरे के साथ खाती हूँ, मुझे खाकरा और कढ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पसंद है। एक बाउल में कढ़ी ले लो और उसके अंदर खाकरे को तोड़ तोड़ के डालो और फिर खाओ, बहुत मजा आता है। और पता नहीं कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे, कढ़ी आप इस टाइम बनाओ और रात को या अगले मॉर्निंग जब खाते हो तो उसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक ठंडी कढ़ी का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने तो काफी सारी कढ़ी बनाई है। अब डिनर में यही चलेगी और लंच में भी हम लोग यही कढ़ी इंजॉय करने वाले हैं। तो बस गोविंद के लिए फटाफट से मैंने एक मिस्सी रोटी, जो मिस्सी आटा बनाया है, मैंने उसका पराठा बना लिया है। अब मैं उसको फटाफट से खिलाती हूँ, खुद कुछ खाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। आज कढ़ी बहुत अच्छी बनी है, अगर मेथी सीड्स होते ना तो और फ्लेवरफुल हो जाती, बट हर देसी घर में ना कुछ तो सामान खत्म हुआ ही रहता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो वी आर प्लानिंग कल या फिर परसों हम लोग पटेल स्टोर जाएंगे, काफ़ी सारी इंडियन चीज़ें हमें लेनी है। तो पटेल स्टोर इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ से हम इकट्ठा बहुत सारा सामान ले आते हैं। और मेरी किचन वगैरह सब क्लीन हो गई, बर्तन वगैरह सब डन हो गए, गोविंद की बस लास्ट बाइट उसके माउथ में है तो वो फिनिश करेगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे लाइब्रेरी, वहाँ पे मैं बैठ के थोड़ी देर अपनी वीडियो एडिटिंग करूँगी और गोविंद थोड़ा सा प्ले करेगा। एक्चुअली बहुत सारी बुक्स भी हैं, हम लोग कल ट्यूसडे था ना, कल नहीं गए क्योंकि क्रिसमस की वजह से ना यहाँ पे सारा जो स्टोरी टाइम वगैरह होता था वो सब अब बंद हो गया है। गोविंद की स्कूल की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं, बस 2 क्लासेस बची हैं, तो स्टोरी टाइम नहीं था। फिर मैंने सोचा कि कल नहीं जाते, कल मैं थोड़ा सा ऐसे लेजी हो गई, आज जाऊंगी, जो बुक्स हैं वो रिटर्न करके दूसरी बुक्स इशू करा के लाएंगे। और मॉर्निंग में अब मेरे सारे किचन के काम खत्म हो गए ना, डे टाइम तक लाइक तीन, अभी 3 बजने में भी 10 मिनट है, तो सारा मेरा काम फिनिश हो गया, सब्जी आटा वगैरह सब कुछ है। तो अब शाम मेरी जो है ना वो थोड़ी सी चिलिंग जाती है, अब आराम से, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बैठूंगी बस, रात को जब डिनर होगा तो रोटी बना लूंगी और शाम की चाय। तो ये सही रहता है कि मॉर्निंग में सारा काम हो गया एक बार, मेन जो मेजर काम था, अब शाम जो है वो थोड़ी सी चिलिंग रहेगी। वैसे यहाँ पे कोई शाम नहीं होती क्योंकि अभी 3 बजे, 4:15 तक पूरा अंधेरा हो जाएगा, और अभी मैं बस लाइब्रेरी निकलूंगी ना तभी मैं अपने शेड्स वगैरह सब बंद करके जाऊंगी क्योंकि आते आते तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। और लाइब्रेरी में आज हम बहुत ज़्यादा प्ले नहीं किया क्योंकि मैं भी बहुत टायर्ड थी और गोविंद भी, तो उसी ने बोला मम्मा घर चलना है, मम्मा घर चलना है। मैं अपना लैपटॉप भी नहीं लेकर गई थी, मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं अपना लैपटॉप लेके जाऊँगी, थोड़ी देर एडिटिंग कर लूँगी वहाँ पर, बट मेरा मन ही नहीं हुआ तो मैं लेकर ही नहीं गई। और वहाँ से हमने 2 चीज़ें ली हैं, एक तो ये ऑपोजिट्स वाली बुक ली है, लाइक टॉल का शॉर्ट, स्मॉल का बिग एंड ऑल दैट, और एक हमने पूरी प्ले किट ली है। ये देखिए ये प्ले किट है, इसमें आई थिंक स्कूल बस का एक बहुत बड़ा पजल है, 3-4 बुक्स हैं और एक और कुछ है जो साउंड क्रिएट कर रहा है। तो इसका फुल आपको मैं दिखाऊंगी इसमें क्या क्या है नेक्स्ट वीडियो में, और मे बी मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूंगी, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस अभी 4:30 हो गया है, अंशुल भी आते ही होंगे किसी भी टाइम, और उनके आने के बाद वही शाम के काम स्टार्ट हो जाते हैं, चाय बनाना, दूध बनाना, और वो सब चलेगा, बैठेंगे थोड़ी देर। अब मैं भी थोड़ा सा बैठ के चिल करूँगी क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हुई थी एंड अब इवनिंग है, अब कोई काम नहीं, बस अब चाय बनाऊँगी और कुछ नहीं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, होप करती हूँ आपने ये इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गोविंद बोल दो सब, प्लीज़ सब्सक्राइब, उसके मुंह में बादाम है। प्लीज़ सब्सक्राइब, देखो अब तो छोटे बच्चे ने भी बोल दिया है, आपके क्यूटी पाई ने भी बोल दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल तो बिकम द पार्ट ऑफ आर फैमिली, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी रेसिपी आप बताई हुई ट्राई करते हैं तो उसके रिक्रिएशंस आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर पोस्ट करिए, या फिर मेल में भी आप सेंड कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली पुट देम इन माय स्टोरीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर चैनल, वॉचिंग आर वीडियोज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, बाय।